हेलो गाइस, सभी का वेलकम है आज की नई वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हम एक्सपी कैसे अर्न कर सकते हैं अपने रियल क्रिकेट 22 गेम के अंदर। तो गाइस, बहुत से भाइयों का कमेंट आया था कि भाई और भी एक और दो तरीका हमें बताइए कि किस तरह हम एक्सपी अर्न कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो में आपको एक कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ। आप एक मैच से आप 1000 एक्सपी अर्न कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं अपने रियल क्रिकेट 22 के अंदर और इजीली अपना लेवल अप कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप 1 से 20 लेवल के बीच में आप इजीली लेवल बढ़ता है हमारा, और उसके बाद अगर 20 से 30 लेवल होने के बाद हमें 1000 एक्सपी चाहिए होता है एक लेवल के लिए। तो गाइज़, बहुत ही मुश्किल हो जाता है लेवल को अप करना। तो गाइज़, इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि किस तरह हम इजीली अपने लेवल को अप कर सकते हैं। तो गाइज़, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप स्किप करेंगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। मैं फिर से यही बातें बोल रहा हूँ आपको। और गाइज़, जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइज़, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज़, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरा लेवल कितना है। आप देख सकते हैं मेरा लेवल 68 है और मुझे 1000 एक्सपी चाहिए, यानी कि 34230 है मेरा अभी, और मुझे 35210 मुझे अभी करना है टोटल जंप मेरा एक लेवल बढ़ेगा। तो गाइज़, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आपको करना क्या है। यहाँ पर आपको टूर्नामेंट पर जाना है, टूर्नामेंट पर जाके आपको इंटरनेशनल पर जाना है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गाइज़ SS 2019। अब इसमें मैं आपको 1000 एक्सपी लेके दिखाऊंगा। मैं एक बार ही प्ले करूँगा इसको, ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं। इसमें टेस्ट मैच है, चलिए आपको कंटिन्यू करके दिखा देता हूँ मैं। अभी देखिए, मुझे यहाँ पे न्यू मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है गाइज़, आप यहाँ पे मैच में एंटर होंगे, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे बता देता हूँ। अभी देखिए, अब मैं आपको यहाँ से समझाता जाऊँगा कि आपको करना क्या है। अभी यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑटो प्ले का ऑप्शन, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। इस ऑटो प्ले के ऑप्शन पे ही आपको क्लिक करते जाना है। बस टॉस पे आके थोड़ा 1-2 सेकंड का टाइम लेगा, उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए मैं टॉस भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जल्दी से जल्दी करके। और देखिए मैं कैसे यहाँ इनिंग खेल के, और मैं आपको देखिए कैसे एक्सपी 1000 लेके दिखाता हूँ। हर बार मुझे 200 मिलेगा और मैं आपको वो दिखाता हूँ कि किस तरह। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सीधा स्किप 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 करते ही जाना है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए आप कम से कम 2 मिनट में मेरे को 200 एक्सपी मिलेगा। देखिए मुझे बहुत जल्दी जल्दी स्किप करना है। देखिए एक पारी, एक इनिंग फिनिश हो चुकी है, दूसरी इनिंग स्टार्ट। और देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आप टाइम देखते रहिए कितना टाइम लगता है इसमें। कुछ टाइम नहीं लगेगा, 1-2 मिनट मुश्किल से 200 एक्सपी लेने में हमें लगेगा। यानी कि आप 5 से 10 मिनट में आप 1000 एक्सपी आराम से ले सकते हैं। देखिए मैं अब थर्ड इनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, और कभी कभी तो ये थर्ड इनिंग पर ही फिनिश हो जाता है मैच। चलिए मैं आपको ये भी ऑटो प्ले करके दिखा देता हूँ फुल इनिंग। तो आपको करना कुछ नहीं, आप देख सकते हो मैं क्या क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। और फिर से ये आ गया एक और, और फिर देखिए अभी क्या करना है यहाँ पे, ये डेविड वार्नर। चलिए कोई बात नहीं, और फिर से मैंने ये कर दिया। अब मेरा एक मैच जो है फिनिश हो गया, देखिए ऑस्ट्रेलिया जीत गई है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, आपको और एक और जगह पे रुकना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 100 एक्सपी, ठीक है, और यहाँ पे आपको दुगना मिलेगा, यानी कि ऐड आप देख लोगे तो आपको दुगना मिल जाएगा। चलिए मैं ऐड भी आपको दिखा देता हूँ एक बार करके। और बस गाइज, आपको ऐड में थोड़ा टाइम लगेगा और उसके ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लग रहा है। चलो मैं ऐड को स्किप कर देता हूँ गाइज़। तो गाइज़ आपको दिख रहा होगा मेरा ऐड पूरा हो गया है, देखिए पूरा हो गया। मुझे यहाँ पे देखिए 200 एक्सपी मिला है। अभी मैं आपको पहली बार दिखा रहा हूँ, बार बार नहीं दिखाऊंगा, आप देख लीजिए 200 एक्सपी मिला। अब देखिए मैं किस तरह से फास्टली तरीके से करता हूँ। देखिए मुझे फिर से मैच स्टार्ट करना है, और फिर से मुझे कंटिन्यू पे, यानी कि स्किप करते जाना है, ठीक है, करते जाना है, करते जाना है। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस मैच में, मुझे ना कि कोई बॉल खेलनी है और ना कि कोई सिक्स लगाना है। बस करना है तो क्या, स्किप करना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए ये एक मैं मैच 30 टिकट देके बस एक बार मैंने इंटर किया, और यहीं पे मुझे 5 मैच खेलने को मिलेंगे। एक मैच में 200 एक्सपी और 5 मैच पे गाइस 1000 एक्सपी, यानी कि आप 10 मिनट में, 10 से 5 मिनट में आप 1000 एक्सपी आराम से ले सकते हैं। देखिए मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैंने ऑटो प्ले पे क्लिक किया और फुल इनिंग कर दिया, और यस एक इनिंग मेरा फिनिश हो गया, ठीक है। अभी दूसरा इनिंग आएगा, फिर से स्किप कर देना है, यहाँ पर बैट्समैन चूज़ कर लेना है और फिर से स्किप करते जाना है, करते जाना है गाइस, करते जाना है। जितना हो सके उतना फास्टली अब करोगे। और देखिए फिर से मैं दूसरा इनिंग आया, फिर से मैंने ऑटो प्ले कर दिया, ठीक है, फिर से यहाँ पे एक इनिंग फिनिश। अब फिर से मैं एक और बॉलिंग है तो मेरी बॉलिंग चूज़ करके फिर से मैंने ये स्किप किया है, फिर से करता रहूँगा। फिर से एक बार और फुल इनिंग कर दिया, अभी देखते हैं। तो ये भी देखिए मैच ये भी फिनिश हो गया। अभी आप टाइम लगा सकते हैं गाइज़, आप यकीन मानिए, आप सोच रहे हो ना कि टाइम लगेगा, नहीं कुछ टाइम नहीं लग रहा है,
चलिए एक और ऐड आया, मैं इसको भी स्किप करता हूँ, ठीक है गाइस। ठीक है, अब देखिए मेरा लेवल, इसके बाद मेरा लेवल 110% बढ़ेगा, यानी कि मुझे 1000 एक्सपी चाहिए था और मेरा पांचवा मैच है, यानी कि 800 मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो ये मेरा पांचवा मैच है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे फिर से वही सिलेक्ट हो गया बॉलर, चलिए कोई बात नहीं, इस बार और दूसरा चूज़ कर लेंगे। इससे फिर ऑटो प्ले, फिर फुल इनिंग, फिर से यस, फिर एक इनिंग हमारी फिनिश हो गई है। अब यहाँ पे मूरी को ले लेते हैं, मूरी है या पता नहीं कौन है। चलिए हमें तो बॉलर लेना है, और यहाँ पे फिर से स्किप कर देते हैं। क्या इस बार हो गया फिनिश मैच या एक और खेलना? चलिए एक और देखिए, तीन इनिंग में ये मैच फिनिश हो गया। अभी देखिए, अब यहाँ पे मैच हमने जीत लिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने मैच विन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही इस ऐड को देखने के बाद मैं आपको बताता हूँ, मैंने इस ऐड को भी फिनिश कर लिया, और देखिए फिर से मुझे 200 एक्सपी मिले। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरा एक लेवल और बढ़ जाएगा। देखिए आप, ये देखिए मेरा 68 था, 69 हो चुका है गाइस। तो ये सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा है, 2 से 3 मिनट में, आप 5 मिनट मान लो खींच करके गाइस, और आपका लेवल अप हो जाएगा। देखिए मैंने 5 मैच खेले हैं। चलिए मैं वापस जाके बैक जाके आपको और तरीके बता देता हूँ जिनमें एक प्रॉब्लम है थोड़ा। इसमें क्या है, बॉलर चूज़ कीजिए, स्पिनर कीजिए, फिर टॉस अगर हमारा नहीं है, अपोनेंट की बैटिंग ले ली उसने, फिर पूरा मैच ख़राब हो गया। तो सबसे बेस्ट तरीका एक यही है मुझे जो लगा है, आप इसमें एक मैच में इतना टाइम दे रहे हो ना, यानी कि 300-400 एक्सपी मान लो, इसमें आप इतने में 1000 ले लोगे इतने टाइम में, ठीक है गाइज। तो आप कहने का मतलब समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो गाइज़ आज की वीडियो में यही समझाना चाहता था कि किस तरह से हम 1000 एक्सपी ले एक मैच खेल के। तो गाइज़ वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और गाइज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।